आज बात करने वाले हैं पेन ड्राइंग के बारे में और पेन ड्राइंग से ह्यूमन एनाटॉमी कैसे ड्रॉ किया जाता है, मतलब फिगर ड्राइंग यूजिंग पेन। और यहाँ पे चैलेंज ये रहेगा कि सबसे सस्ती वाली पेन हम यूज़ करने वाले हैं, जो चीज़ आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है ना वही करने वाले हैं हम यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे ही। और चलो चलते हैं, तो सबसे पहले ढूंढेंगे पेन, क्योंकि पेन सबसे सस्ती वाली ढूंढना भी एक चैलेंज है। लेट्स सी दिस। अब आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, मेरी नई स्किल शेयर क्लास क्रॉस एजिंग्स के ऊपर यूजिंग स्टिल लाइफ। और ये जो क्लास है पूरी की पूरी अभी 2 दिन के लिए फ्री है। एग्जैक्टली आपने सही सुना, बिल्कुल ही फ्री है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, अगर आप उस लिंक के थ्रू जाते हो और देखते हो तो फर्स्ट जो 1000 व्यूअर होंगे उनके लिए पूरी तरह से फ्री रहेगा। जल्दी से जाके इनरोल करो यार, ठीक है, क्योंकि ये एक अमेजिंग मौका है आप सभी लोगों के लिए। खासकर ये होली वाले टाइम पे मैंने सोचा कि एक गिफ्ट मेरी तरफ से आप सभी लोगों को। इसमें कुछ भी आपकी कार्ड डिटेल वगैरह कुछ भी नहीं मांगी जाएगी, सीधे आपको उस लिंक के थ्रू जाना है और उस पर्टिकुलर क्लास में जो स्टिल लाइफ क्रॉस एचिंग टेक्निक्स पे है वो पूरी की पूरी क्लास में जो भी जितना कंटेंट है वो आप फ्री में देख सकते हो। इन्जॉय करो उसको, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इनरोल करो और उसको देख करके प्लीज़ एक चीज़ ज़रूर करिएगा, रिव्यू कर दीजिएगा उसको अच्छे से। अगर आपको पसंद आएगा तो रिव्यू ज़रूर कीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। इतना सपोर्ट मुझे लगता है कि मेरे लिए आप लोगों की तरफ से होना बनता है। तो आप आ जाते हैं वापस से अपने ट्यूटोरियल में, क्योंकि आज है पेन ड्राइंग का ट्यूटोरियल। बहुत ही अमेजिंग ट्यूटोरियल होने वाला है ये उन सभी लोगों के लिए जिन्हें फिगर ड्राइंग सीखनी है। पहले ढूंढते हैं पेन, जो सबसे सस्ता पेन हमें मिल जाए वही हम ड्राइंग करने वाले हैं उसी से। लेट्स गो। यहाँ पे देख रहे हो कि पूरे बॉक्स में देर आर सो मेनी पेन्स इन्वॉल्व। अभी मैंने निकाल के ही रखा था जस्ट टू फाइंड आउट द बेस्ट पेन व्हाट वी कैन हैव। तो यहाँ पे मुझे ये एक ये पेन दिख गई, देखो ये वाली पेन है। और कौन सी पेन है, ये एक पेन है, ठीक है। और ये पेन है, ठीक है। ये क्या है, ये पेन नहीं है, ये स्टाइलस है, ये नहीं यूज हो सकता। ये पेन है, ये ब्लैक पेन है, मैंने ब्लू ढूंढनी है, ब्लू वाली पेन ढूंढनी है। और ब्लू पेन कहाँ है, ओके दिस वन इज द पेन। ये है बिक वाली पेन जो कि आपने देखी है, कई बार मैंने इसे ड्रॉ किया है। तो ये एक पेन हो गई, देखो तो 4 पेन हो गई, ठीक है। एक और पेन है, ये रेनॉल्ड्स वाली पेन है ना। तो हमारे पास अभी फिलहाल इसको हम उधर कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं ये 4 पेन जो हमारे पास अवेलेबल है। नाउ लेट्स गो टू द स्टूडियो रूम। तो अभी एक एक करके इन सारी पेन के दामों पे चर्चा कर लेते हैं। ये जो है ये है बिग पेन, ठीक है। और कौन सी पेन से हम ड्रॉ करने वाले हैं ये भी देखेंगे। तो ये है बिग पेन जो कि आपको पता है इसका अभी अमाउंट अच्छा खासा ही है, 20-22 रुपए के आसपास ये पेन मिलती है मार्केट में। और ये इसे मैंने कई बार ड्रॉ भी किया है, तो ये आपने कई बार देखा होगा। इसको मैं बेस्ट पेन बोलता हूँ, और मैं ही नहीं बहुत सारे आर्टिस्ट इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें टंगस्टन टिप होती है। तो इसको अभी किनारे रख देते हैं। सेकेंड आ गई ये वाली पेन, ये भी बहुत सस्ती पेन है, बहुत चीप पेन है, डॉम्स ब्रांड की पेन है ये, ठीक है। और ये भी बहुत सस्ती मिलती है, 4 या 5 रुपए के आसपास इसका कॉस्ट होता है। नेक्स्ट पेन है हमारे पास ये पेन जो कि है हमारे पास लिंक की लिंक सिग्नेटा पेन, और ये भी पेन 9-10 रुपए के अराउंड कॉस्ट में आती है। ये रिट्रैक्टेबल है, ठीक है। जिन्हें रिट्रैक्टेबल नहीं पता उन्हें बता दो, ये जो क्लिक वाली पेन होती है इसे रिट्रैक्टेबल बोलते हैं आई थिंक, जहाँ तक याद है मुझे। और ये है रेनॉल्ड्स की वेरी ओल्ड रेनॉल्ड पेन, और ये बहुत ही अच्छी पेन होती है मार्केट में। हमने पूरा बचपन इसी से बिताया है। 045 रेनॉल्ड्स की पेन, ये भी 4 या 5 रुपए के अराउंड होती है। सबसे सस्ती पेन जो है इनमें से वो है ये नटराज की पेन, बिल्कुल ये नटराज की पेन है। नटराज यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लो, आई थिंक ग्लो लिखा है, नटराज ग्लो। ये देखो दिखा देता हूँ मैं, नटराज ग्लो की ये पेन है। ये 3 रुपए के अराउंड की पेन थी शायद, जहाँ तक याद है मुझे। आप लोग ही पता करना आपके आसपास में ये कितने रुपए की मिल रही है। इसमें रिफिल भी होती है और ये बहुत ही अच्छी स्मूथ चलती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको प्रेफर करते हैं लॉन्ग राइटिंग के लिए। तो आज इसी से ड्रॉ करने वाले हैं। 0.6 है इसका साइज, टिप का अगर किसी को जानना है तो बता देता हूँ। और इससे ड्रॉ करके देखेंगे कि कैसे हमें प्रेफरेबल आर्टवर्क मिलते हैं। और जो पेपर हम यूज़ करने वाले हैं वो इन्हीं में से कोई एक पेपर हम यहाँ पे ले लेंगे, बिल्कुल इस टाइप का कोई एक पेपर, नॉर्मल सा जो कि यूज़ होता है प्रैक्टिसेस के लिए, ड्राइंग प्रैक्टिस के लिए। तो इस टाइप का एक पेपर है जो यहाँ पे अपन हम रखते हैं और हम ड्राइंग शुरू करते हैं। तो आ जाओ अब ड्राइंग शुरू करते हैं।
तो अब यहाँ पे मैंने इसकी शुरुआत की है, और सबसे पहले मैंने हेड का जो कितना बड़ा फेस होगा, कितना बड़ा हेड होगा, वो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि अब ये पेपर जो है A4 साइज़ का पेपर है, तो उसके लिहाज से हेड को मैंने छोटा ही ड्रॉ किया, क्योंकि पूरा लेंथ उसमें आना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका होता है कि हेड की लेंथ को आप मेजर कर लो, उस हेड की लेंथ को मेजर करने के बाद उसको देखो कि वो कितने हेड नीचे तक आपका पूरा का पूरा लेग्स जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ तक कितना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के अराउंड है, तो वो 7 नीचे आएगा, ठीक है। ये सबसे पहला बेसिक थंब रूल है, इससे ये पता चलेगा कि कहीं ये ड्राइंग आपके पेपर के बाहर तो नहीं निकल रही है, और ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है, और मुझे खुद ये रियलाइज़ हुआ है कि जब भी हम ऐसा करते हैं तो ये गलती होती है कि पैर बाहर चले जा रहे हैं पेपर के, और हमारे पास इतने बड़े साइज़ के पेपर नहीं होते कि हम आराम से फ्रीली कर सकें। अब सेंटर लाइन ऑप्ट करनी है, जो शोल्डर को ड्रॉ किया वो तो है जस्ट एक लाइन है, मेन है सेंटर लाइन जो है, जो रिदम लाइन जिसको बोल सकते हैं, तो वो सेंटर लाइन रिदम लाइन पहले ऑप्ट करनी ज़रूरी है, और उसका डायरेक्शन पता होना ज़रूरी है। अब यहाँ ड्रॉ करने के कई तरीके हैं, हम चाहें तो सर्किल ऑप्ट करते हुए भी हम कर सकते हैं, जैसे कि हमने चेस्ट की शेप को क्रिएट किया, फिर नीचे जहाँ पे कमर आ रही है वहाँ का एरिया हमने ऑप्ट किया, फिर जो हिप्स हैं उसको हमने सर्किल के थ्रू आइडेंटिफाई किया, ये भी एक तरीका है। अदरवाइज़ जो लाइन वाला तरीका है, जो बेसिक तरीका है जो अभी दिखा रहा हूँ मैं, ये भी सबसे बेसिक तरीका है, तो दोनों को भी यूज़ कर सकते हो आप, जैसे मैं कर रहा हूँ सर्किल, और वो दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अभी ये एंगल थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है, अभी एक इसकी जस्ट इसी वीडियो में आगे एक और आएगा जिसमें एकदम स्ट्रेट आपको दिखाई देगा, मुझे वही प्रेफरेबल होता है, बट जनरली मैंने देखा है कि लोग ऐसे साइड से दिखाते हैं तो ज़्यादा लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है, पता नहीं, आई डोंट नो वाई, मतलब सभी ये बोलते हैं कि साइड से दिखाना ज़्यादा अच्छा है, तो मैं साइड से दिखा के कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर से देखने, और मुझे अगर कुछ सीखना हो तो मैं ऊपर से देख करके सीखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। आप भी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि कौन सा तरीका आपको प्रेफरेबल है, और मैं वही ऑप्ट करने की कोशिश करूँगा, ओवर द टॉप वाला जो ओवर द हेड वाला है वो, या फिर ऐसे साइड से दिखाने वाला जो ज़्यादा ड्रामेटिक होता है, थोड़ा सिनेमेटिक होता है। तो अभी देखो इस तरह से कर रहे हैं, और अभी जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो नेक्स्ट ड्राइंग का सैंपल होगा उसमें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बस ये समझ लो कि किस तरीके से लाइन वगैरह को ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये एक बेसिक है, तो बेसिक में बिल्कुल बेसिक समझने की कोशिश करनी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस सिंपली ये है कि जो हेड है वो आप उसकी लेंथ पहले मेजर कर लो, और वो लेंथ जो है वो पूरे के पूरे नीचे तक जहाँ पे आ रहा है वहाँ तक कितने लेंथ आ रहे हैं, ठीक है। अभी ये साइड से दिख रहा है तो बिल्कुल डिसप्रोपोर्शनेट भी दिख रहा है, बट ये प्रोपोर्शनेट बना है, अभी जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको ज़्यादा से बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अब इस पेन के बारे में अगर कुछ खास बात करूं, देखो जैसे हम क्रॉस हैचिंग्स कर रहे हैं ना, तो ये 0.6 mm है, तो आराम से स्मूथली हो जा रहा है, 0.5 mm वाले में भी बहुत अच्छे से होता है, और अगर आपको 0.5 mm वाली पेन मिल जाए तो वो और बेहतर होगी इसी रेंज में, मतलब यही सेम पेन से पेन अगर आपको 0.5 mm वाली मिल जाए तो और मज़ा आएगा, अगर 0.6 मिल रही है तो भी काम हो जा रहा है समाव। अब यहाँ देखो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था ना, ये जो पूरी लेंथ है देख रहे हो, ये लेंथ ही मैं बोल रहा हूँ कि फिर हेड का जो लेंथ है वो जो है वो टोटल 8 या 7 जितने भी मेजरमेंट आ रहा है सबसे पहले वही करने की ज़रूरत है। अगर वो चीज़ समझ में आ गई तो आप बहुत आसानी से ड्रॉ कर ले जाओगे कोई भी एंगल किसी भी पोजीशन में बैठा हुआ ह्यूमन एनाटॉमी, और आप बहुत आसानी के साथ ड्रॉ कर ले जाओगे, बिल्कुल मेरा यकीन करो इस चीज़ का। सबसे पहला मेजरमेंट यही है कि आप पहले हेड की लेंथ को मेजर करो, और वो कितनी लेंथ नीचे आ रहा है उसको जस्ट ड्रॉप डाउन करो और देखो। और मेरे बहुत इनिशियल जो ट्यूटोरियल्स हैं ना ह्यूमन एनाटॉमी के, फिगर एनाटॉमी के, वो ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने स्किल से बताया है, मतलब जो स्केलेटन होती है वहाँ से शुरुआत की है और वहाँ से हमने बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा एंगल को चेंज करते हैं, है ना, और ऊपर से देखते हैं कि कैसे हम एक और, लेट्स से एक और हमें ड्रॉ करना है, और यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको
क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा तरीका है समझाने का। देखो, मैंने हेड को ड्रॉ किया सबसे पहले, एक हल्की सी लाइन हेड की ड्रॉ करी है, और फिर उसी को नीचे ले आ करके देखा मैंने कि कितने लेंथ तक ये नीचे आ रहा है, कहाँ पे लेग का फुट आ रहा है, मतलब पैर जो है वो कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। अब ये देखो बैठा हुआ पोस्चर है, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पोस्चर है, ये बहुत ईजी नहीं है, क्योंकि इसमें देख रहे हो दोनों जो आपके लेग्स हैं वो इधर वाला लेग जो है वो सामने से नज़र आ रहा है, और जो वो वाला है वो तो साइड से, तो साइड वाला तो इजीली ड्रॉ हो जाएगा, बट इस तरफ वाला जो है ना उसमें लाइट एंड शेड से ही काम करना पड़ेगा, और तभी वो रियलिज्म निकल के आएगा। और यहाँ पे मैंने एक हेड को अंदाजे से ड्रॉ किया। अच्छा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आइज़ वगैरह पे ऊपर अभी नहीं जाइएगा, सिंपल केवल एक अभी आउटलाइन को समझो। पहले आउटलाइन समझ जाओगे तो अपने आप ह्यूमन एनाटॉमी बनने लग जाएगी। कॉन्फिडेंस जनरेट होना ज़रूरी है इस सब चीज़ों में। पहले ही अगर आप फेस वगैरह की डिटेल में चले गए ना, नोज़ कैसे बननी है, क्या होना है, उतने छोटे से प्रपोर्शन में क्या ही बनेगा, और वो दिखना भी बहुत मुश्किल होता है। बहुत कुछ सिंबलाइज करते हैं हम, जैसे स्टेपलर जैसे मार्क करने पड़ते हैं जस्ट वहाँ पे, तब वो अपने आप निकल के आ जाते हैं फीचर्स, कुछ लाइंस, जस्ट सिंपल लाइंस। अब यहाँ देखो जो हैंड है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, क्योंकि पीछे पूरा ब्लैक है और ब्लैक के ऊपर कुछ लाइंस है खाली जो कि इस पे मार्क हो रही हैं, और ये जो लाइंस हैं इन्हीं के थ्रू पूरा का पूरा प्रोपोर्शन निकल के आएगा। अभी हम इसको बस आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपली एक अंदाज़ा ले रहा हूँ और उसको आगे की ओर ले जा रहा हूँ, बिना किसी सोच के और बिना किसी थॉट प्रोसेस के कि कहाँ क्या होगा, जस्ट एक सिंपल कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, और कोशिश ये कर रहा हूँ कि क्लोज करके मैच करने की कोशिश करूँ, नियर बाय रखूँ वैल्यूज़ को। सिमिलरली देखो इसी तरह से जस्ट दूसरा वाला लेग है वो भी इसी तरीके से करना है। अभी देखो बहुत सारे चेंजेस इसमें कर सकते हैं हम, और होने भी हैं, बट वो होंगे कैसे, वो ऐसे ही होंगे कि आप धीरे धीरे ड्रॉ करते हुए आगे बढ़ो, और ये मत सोचो कि बिल्कुल पहले बार में ही आप एकदम एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ कर ले जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो शुरुआत में कुछ एक आइडिया लो, बस सिंपल आइडिया लो, और देखो कि फिर उसमें और क्या चेंजेस करने हैं। तो जो हम क्या करते हैं ना, जब अक्सर गलती वहीं होती है कि हम शुरुआत में ये सोच लेते हैं कि पहली लाइन ही बिल्कुल एक्यूरेट होगी, क्योंकि हम पेन से डायरेक्टली ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है कि गलत हो जाएगा तो गलत ही हो जाएगा। बट ध्यान इस चीज़ का रखना है, और मन में थॉट आपको ये रखनी है कि अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता भी है तो आई विल मैनेज इट, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर रहा हूँ लाइन्स को आगे पीछे करके, और शुरुआती लाइंस बहुत हल्की ड्रॉ करनी है, जैसा कि हमेशा बताता हूँ, चाहे पेन हो चाहे पेंसिल हो, सभी में यही कोशिश करनी है। अब देखो धीरे धीरे वैल्यूज़ निकल के आ गई, अभी भी क्रॉस हैचिंग वगैरह भी मत करो, बिल्कुल जब तक वो फाइनलाइज़ नहीं हो जाए ना चीज़ें, तब तक ऐसे ही रहने दो चीज़ों को। अब धीरे धीरे करना शुरू करते हैं, उसमें क्रॉस हैचिंग वाली वैल्यूज़ निकाल के ला के देखते हैं कि कितना परसेंट चीज़ें सही हुई हैं। 100% तो ऑब्वियसली नहीं सही होगा, लेकिन कुछ परसेंट तक हम इसको रिसेंबल कर सकते हैं। और जब भी हम क्रॉस हैचिंग करें तो फोर्स हमेशा ध्यान रखें, बहुत फोर्सफुल लाइंस ड्रॉ करो, ये नहीं कि बहुत धीरे धीरे आप सोच रहे हो उसको फिल करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट करना है लाइंस में। एक एक लाइन बिल्कुल क्लियरली फोर्सफुल होनी चाहिए, क्लियर हो चाहे ना हो लेकिन फोर्स ज़रूर होना चाहिए उसमें, तब जाके एक इफेक्टिव फिगर एनाटॉमी ड्रॉ होती है। अब मुझे लगता है ये वाला एंगल आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह से मुझे लगता है लर्न करना भी चाहिए। बट आप लोगों का सजेशन इसमें इनवाइटेड रहेगा, कौन सा एंगल आपको ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, साइड वाला या फिर इस तरह वाला। और ये मुझे लगता है ये वाली जो एनाटॉमी है ये वाली ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आई होगी, और ये ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। अभी देखो जब क्रॉस हैचिंग कर रहा हूँ तो वो वाले एरिया को पहले कैप्चर कर रहा हूँ जो बिल्कुल डार्क हैं, और जो हाईलाइटेड वाले हैं उनको मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया है। अब धीरे धीरे इसमें लाइन्स ड्रॉ करना शुरू कर रहा हूँ, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार में सही ड्रॉ हो जाए, जैसा मैं आपको बताता हूँ, आप इसको ट्राई मारो, ट्राई मारना ज़रूरी है। ट्राई नहीं करोगे, एफर्ट नहीं लगाओगे, एक दिन में कोशिश करो 10 फिगर एनाटॉमी ड्रॉ करने के, छोटे छोटे ड्रॉ करो। मुझे पता है कि देखो मुझे भी मालूम है कि बिगनर के साथ प्रॉब्लम क्या है, मटेरियल्स नहीं है, और हाँ वो चाहते नहीं है कि पेपर बर्बाद हो जाता, तो एक ही पेपर में, ये जैसे A4 साइज़ का एक पेपर है, इसमें 3-4 फेस फिगर आप ड्रॉ कर लो, फेस नहीं फिगर आप ड्रॉ कर लो, तो उसमें क्या है, छोटे छोटे ड्रॉ करो। ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े पेपर्स और शीट आप बर्बाद करो इस पे, और फिर आप सोचो कि यार पैसे भी बर्बाद हो गए और कुछ अच्छा बना भी नहीं या सीख भी नहीं पाए। तो शुरुआत में छोटे ही पेपर लो, A4 साइज़ के पेपर लो, और उसी में
थोड़े मिनीचर स्टाइल के आर्ट करने की कोशिश करो, एक ही पेपर में 3-4 फिगर एनाटॉमी ड्रॉ कर ले जाओ, तो उससे क्या होगा कि आपके ज़्यादा पेपर भी नहीं लगेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी जारी रहेगी और ज़्यादा कर पाओगे, एक दिन में 4, 5, 10 इस तरह से कर पाओगे। अभी इसको एक को ड्रॉ करने में मुझे मुश्किल से 10 मिनट लग रहा है, 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है, फिनिश करने में तो ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है ये मेरा। अगर 3-4 भी मैंने ड्रॉ किए तो 1 घंटे के अंदर अंदर 4-5 ड्रॉइंग तैयार हो गई, तो ये वाली बात तो है ही, फ़ायदे वाली चीज़ है। तो मुझे लगता है कि आपको ये तरीका समझ आया होगा आज जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और एक आपको होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि अब देखो होली है और हो सकता हो उतने ज़्यादा आर्ट की वीडियो अभी ना आ पाए, तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ कि ये दो आर्टवर्क तो आपको ड्रॉ करने ही हैं जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, और एक और ड्रॉ करके आपको दिखाना है मुझे, उसको मैं फिनिश नहीं करने वाला हूँ, वो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि वो क्या है। ये वाला मुझे लगता है आपकी काफ़ी हद तक आपको समझ आ गया होगा कैसे हमें ड्रॉ करना है। ये जो है ये वाला आपके लिए होमवर्क के तौर पे, इसको आपको ड्रॉ करना है और ड्रॉ करके केवल आउटलाइंस ड्रॉ करो और कुछ कुछ क्रॉस हैचिंग कर दो, पूरा फिनिश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और फिनिश करके देना भी मत, इसको ऐसे ही रखना है। ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक मिल जाएगा नीचे में इमेज का, इन तीनों इमेजेस का जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। और जिस तरह से देखो मैंने हेड का बताया ना पहले, वही कोशिश करना। मैं थोड़ा सा हिंट भी आपको दे देता हूँ, पूरा नहीं ड्रॉ करूँगा नहीं तो ऑब्वियसली आपके लिए फिर होमवर्क जैसा नहीं रह जाएगा, तो इसको आपको करना है। और ये फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजो, ठीक है, और मेरे को मेल भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो आप मेरे को, और मेरे को टैग करके स्टोरीज़ में डाल सकते हो, तो मैं उसको रीपोस्ट कर दूँगा अगर बहुत अच्छा, और जो अच्छा अच्छा ड्रॉ करेंगे उनको ज़रूर पोस्ट करूँगा। कोशिश तो यही रहेगी, मोस्टली सबको कर दूँ, अगर हो पाया तो कर दूंगा ज़रूर से। और अच्छे से करना, प्रैक्टिस करो, और स्किल शेयर क्लास को जो मैंने बताया है ना ज़रूर से करो, क्योंकि वो फ्री है अभी, है ना, एकदम फ्री है, कोई भी डिटेल कुछ भी नहीं मांगने वाले उसमें आपसे, केवल वो साइनअप करने को बोलेगा, आप सिंपली साइनअप ज़रूर कर देना क्योंकि वो तो ज़रूरी है किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, और कोर्स को पूरा देख डालना और रिव्यू ज़रूर कर देना, है ना। थैंक यू सो मच, अभी फ़िलहाल इतना ही, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लव यू ऑल फ्रेंड्स, हैप्पी होली टू एवरी वन। Thank you so much.